देखें जी, ये लेडीज़ ट्राउज़र है। अब इसको मैं इलास्टिक डालने का ना थोड़ा सा एक छोटी सी बताने लगा हूँ। मेरा ये होता है कि मैं ट्राउज़र को पहले तैयार कर लेता हूँ, जिसका पहुँचा है इसको मैंने सारा तैयार कर लिया हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने एक पैर पैर की सिलाई लगा कर इसको कच्चा भी कर लिया हुआ है। तो ये देखें, इसका ये एक छोटा सा फार्मूला आता है कि ये देखें, ये हाफ़ है ट्राउज़र का, हाफ साइड ये है, हाफ साइड ये है। ये लेडीज़ ट्राउज़र है, अब इसमें इलास्टिक डालने लगा हूँ। ये देखें, इसका मैंने पोंचा पहले तैयार कर लिया। मैं हमेशा ट्राउज़र को ना ऐसे ही करता हूँ, पहले तैयार कर लेता हूँ। ये देखें, ये इलास्टिक जो है ना, ये इलास्टिक इसका तरीका ये है कि ये जितना ट्राउज़र हो ना आपका, उसकी हाफ कटिंग और हाफ ही ट्राउज़र इलास्टिक हो तो ये आपका बिल्कुल पूरा आ जाता है। यानी कि ये देखें, ये पूरा ट्राउज़र की चौड़ाई है, लेकिन हाफ जो ट्राउज़र है ना, इसका हमने इलास्टिक पूरा पूरा कटिंग किया हो तो यही इलास्टिक आपका पूरा आ जाएगा। और दूसरा ये देखें, मैंने इसको ना हल्का सा ये फोल्ड किया हुआ है, ये कच्चा फोल्ड कर दिया पैर पैर की सिलाई लगा के। अब इसके बीच में रख के हम इलास्टिक डालते जाएंगे, जिससे इलास्टिक आसानी से डल जाएगा। ये देखें, हमने इसको इलास्टिक डालना शुरू कर दिया, इसके इलास्टिक ऐसे रख के चलता जाएगा। इलास्टिक डाल के बाकी फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखें, ये ट्राउज़र में इलास्टिक डाल दिया हमने, ये हमारा इलास्टिक बिल्कुल सही फिट आ गया, इसको हमने सीधा पदरा कर लिया। अब एक और चीज़ आपको बताने लगा हूँ, ये देखें, हमने जो ट्राउज़र कटिंग किया था ना, उसका एक साइड बड़ी होती है, एक छोटी होती है। फ्रंट जो होता है ना, ये छोटा होता है। ये देखें, यहाँ से इतना फ़र्क आ रहा है, यहाँ से भी इतना फ़र्क आ रहा है। ये फ्रंट है ना इसका, ये छोटा, ये पेंट नुमा ट्राउज़र है। अब इसका जो फ्रंट है ना, फ्रंट का जो आसन है, ये देखिए, यहाँ पे हमने एक निशान लगाना है। वो मैं अभी आपको निशान लगाने का तरीका बताने लगा हूँ कि किस तरह इसको ये समझा जाता है, ये पहचान हो जाती है कि ये फ्रंट वाली साइड है। तो ये जब पहने तो ये फ्रंट पे ही आए। ये देखिए, ये इसके सेंटर आसन का सेंटर है ये सिलाई, और यहाँ से हमने 3 इंच का छोड़ के यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, इसको पक्का कर देना है ये ऐसे। ऐसे हमने इसको पक्का कर दिया। और ये देखिए, दूसरी तरफ भी हमने इतना ही ना 3 इंच का छोड़ के यहाँ पे एक सिलाई के से ठोकर बांध देना। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्रंट का जो है ना इलास्टिक यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और बाकी इलास्टिक को हम सिलाई लगा देंगे सेंटर में, और ये फ्रंट में एक बेल्ट टाइप रह जाएगा। इससे ये पहचान हो जाती है ये फ्रंट वाली साइड है। और दूसरा, ये कस्टमर ने कहा भी था कि मुझे फ्रंट में छोटा सा बेल्ट चाहिए। ये बेल्ट एक आम तरीका बनाने का, अगर फिक्स बेल्ट बनाना हो तो फिर उसके लिए अलग है, इसमें बुकरम लगा के फिर हुक भी लगती है, जिप भी लगा सकते हैं, तो वो और तरीका है उसका बनाने का, फिर कभी किसी वीडियो में वो बताएँगे आपको। ये देखें, ये इलास्टिक डाल के इसको सेंटर में सिलाई लगा दी। अब हमारा इलास्टिक भी बैठ गया और नीचे सेंटर में एक बेल्ट भी तैयार आ गया। ये इस तरह से इलास्टिक में ना, ये ट्राउज़र यहाँ से ऐसे ही रहेगा इलास्टिक के अंदर। तो ये बेल्ट भी बन गया और इलास्टिक भी डाल दिया। ये है आसान तरीका ट्राउज़र में इलास्टिक डालने का।